पर काशीपुर में मतदान का प्रतिशत कम होने के सवाल पर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपनी ही पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी ही पार्टी के कुछ गद्दार नेताओं ने सोची समझी साजिश के तहत मतदाताओं को विपक्षी पार्टी के पक्ष में वोट डालने को प्रेरित किया। मीडिया के समक्ष विधायक चीमा के इस बयान से काशीपुर की राजनीति फिर से गर्मा गई है। हालांकि विधायक चीमा ने गद्दारों का नाम तो नहीं लिया, बल्कि यह कहा कि पार्टी को सब पता है और भाजपा आलाकमान ऐसे स्थानीय गद्दार नेताओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण उत्तराखंड में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है और काशीपुर से भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। काशीपुर सीट पांचवीं बार भाजपा की झोली में आएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सीधी टक्कर सिर्फ कांग्रेस से है। देखें सुरागी लाल न्यूज की खास रिपोर्ट। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। दोनों की तरफ से, प्रिंट की तरफ से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से भी मुझे पूरा पूरा विश्वास और पूरा पूरा मेरे प्रति जो मेरी भावनाएं थी, मेरी भावनाओं के अनुरूप आप लोगों ने सबने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं सब आपका आभारी हूँ। कल मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस बार जो काशीपुर में मतदान का प्रतिशत रहा है वो काफ़ी कम रहा है, इसका क्या कारण रहा है? देखिए काशीपुर में ही कम नहीं रहा, वैसे तो मतदान का प्रतिशत मेरे ख्याल है कि पूरे प्रदेश में ही कम रहा है, लेकिन काशीपुर में विशेष तौर पर कम रहने का कारण काशीपुर के ही पार्टी के कुछ गद्दारों ने, जिनके नाम पार्टी जानती है, पता है सारा, उन्होंने बड़ी भारी गद्दारी पार्टी के साथ की है और वोट जो हैं वो विपक्ष को के पक्ष में वोट करने के लिए उनको प्रेरित किया है और वोट डलवाए हैं। इससे प्रतिशत में फर्क आया है, जिसकी सूचना हमारी उच्चतर पार्टी को है। पार्टी जो भी इसके प्रति सोचेगी वो पार्टी का काम है। मेरे द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एमएम, वो मेरे भाई, वो मेरी बहनों का, भाइयों का, साथियों का, सहयोगियों का, जिन्होंने भारत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए बीजेपी को वोट किया है, उनका आभार व्यक्त करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने आज आभार व्यक्त करने के लिए ही ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज वार्ता के लिए यहाँ पर बुलाया था। हर बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार, हमारा विरोध नहीं है कुछ कुछ। इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है, उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का, उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी वो पार्टी के ऊपर है। जो आदमी गद्दारी करेगा उसके प्रति तो एक्शन होना ही चाहिए। अगर इस तरीके से पार्टी फिर एक्शन कोई नहीं करेगी तो आगे ये परंपरा बढ़ जाएगी जो पार्टी हित में नहीं रहेगी। इसलिए जो गद्दार दिखाई दे रहे हैं, सामने पता लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का ओपन हो करके विरोध किया है, तो उनको तो कुछ ना कुछ पार्टी को उनके प्रति सोचना ही पड़ेगा। फाइट हमारे 2002 से लेके आज तक 4 चुनाव मैंने लड़े हैं, जिससे मेरी फाइट रही है उसी से 5वीं है। मेरी जो व्यक्ति पार्टी रही है विपक्षी,
वो कांग्रेस ही रही है। चारों चुनाव मैंने कांग्रेस के साथ ही लड़े हैं और ये पांचवा चुनाव भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विपक्ष में कांग्रेस ही शायद रही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।